हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एक्सप्लोरर। और आज मैं आपको लेकर आई हूँ सदर बाज़ार दिल्ली। और आज मैं आपको दिवाली शॉपिंग करवाने वाली हूँ। संडे की सुबह जो पटरी मार्केट लगती है, मैं वो एक्सप्लोर कर रही हूँ। ये दिवाली के दियाज है, 60 रुपीज़ दर्जन है। आप एक पीस भी ले सकते हो, 5 रुपीज़ में एक पीस मिल जाएंगे। और ये 60 रुपीज़ में लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ मिल रही थी। इनमें से आप कोई सा भी ले लो, सभी 60 रुपीज़ ईच हैं। और ये मूर्तियाँ 80 रुपीज़ में 10 पीस मिल रही थी। आप एक नहीं ले सकते हो, आपको 10 ही लेना होगा। यहाँ पे एक पैकेट में ये 10 पीस का सेट बना हुआ है। 80 रुपये प्राइस है इसका, कोई सा भी ले सकते हो। और यहाँ पे 10 के 2 और 10 के 4 फ्लावर पॉट मिल रहे थे। सदर बाज़ार मार्केट ज्वेलरियों के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे ब्रांडेड ज्वेलरियाँ आपको काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। यहाँ जो आप नेक पीसेस देख रहे हो, ये 100 रुपीज़ ईच है और थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी होती है। एंड रबन बैंड एंड हेयर क्लिप्स वगैरह यहाँ काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। थोड़ा सा बल्क में आपको लेना पड़ेगा। यहाँ 60 to 120 में इस टाइप के क्लचर्स मिल रहे थे। ये 60 रुपीज़ का पूरा पैकेट आपको लेना होगा, 12 पीस का पैकेट था। और दिवाली के लिए यहाँ पे इस टाइप के तोरंस मिल रहे थे। इनके स्टार्टिंग प्राइस 5 रुपीज़ पर पेयर है और साइज़ वाइज प्राइस डिफर होता चला जाता है। और इस टाइप के माला या दिवाली के लिए और भी कुछ लेना चाहते हो तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। और यहाँ पे प्राइस आपको मार्केट के प्राइस से काफ़ी ज़्यादा कम में मिलने वाला है। ज़्यादातर सामान यहाँ पे बल्क में ही मिलता है, पर कभी कभी कहीं कहीं एक दो भी मिलता है तो आपको सर्च करके लेना होगा। प्राइस वैसे ही यहाँ पे काफ़ी कम है क्योंकि ये बल्क में रहता है, बट फिर भी आप बार्गेन कर सकते हो अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी है तो। ये 110 में 10 पीस है। यहाँ पे सिंगल पीस नहीं मिलेगा आपको, 10 पीस ही लेना पड़ेगा। कोई सा भी डिज़ाइन ले सकते हो, 110 में 10 पीस मिलेंगे। बट अगर आप बाहर जाओ तो 110 में आपको एक पीस ही मिलने वाला है। और यहाँ पे अभी इस टाइप के पायल्स मिल रहे थे। पायल यहाँ 50 to 80 रुपीज़ के रेंज में मिल जाएगा। 20 रुपीज़ में यहाँ पे अंगूठियाँ मिल रही थी, बिछिया, ये सभी काफ़ी रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे मिल रहे थे। और ये 80 रुपीज़ में इस टाइप के चूड़ा आपको जहाँ तहाँ सदर बाज़ार में देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ की चूड़ियाँ भी काफ़ी अच्छी होती है, प्राइस वाइज भी काफ़ी अच्छी होती है। और ये 60 रुपीज़ दर्जन नेल पॉलिश था। कहीं पे यहाँ पे 120 रुपीज़ दर्जन भी है, 100 रुपीज़ दर्जन भी है। और ये आपको पूरा पेयर मिलेगा 10 रुपीज़ में क्लिप्स का। और 5 रुपये ईच ये रिंग्स मिल रही थी। इसमें भी काफ़ी सारे डिज़ाइन थे, कोई सा भी ले सकते हो। सिंगल पीस भी देने को रेडी थे, 5 रुपीज़ ईच था ये। और इस टाइप की लटकने मिल रही थी। लटकने आपको बल्क में ही लेना पड़ेगा। अंगूठी भी कोई कोई आपको सिंगल देगा, नहीं तो ज़्यादातर यहाँ पे बल्क में ही मिलता है। 60 रुपये का दर्जन था। और इस टाइप की ईयरिंग्स भी मिल रही थी वहाँ पर। प्राइस यहाँ पर आपको दूसरे मार्केट की अपेक्षा काफ़ी कम मिलेगा, तो आप दिवाली शॉपिंग के लिए वहाँ पे जा सकते हो। बट वहाँ पे काफ़ी भीड़ है, किसी को भी कोविड का कोई डर नहीं लग रहा। एक्चुअली कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, बट उसका डर लोगों के अंदर से निकल चुका है। तो काफ़ी भीड़ है मार्केट में, तो आप सोच समझ के जाएं। जब तक काफ़ी ज़रूरत ना हो तब तक जाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर शॉपिंग करनी ही है तो आप जा सकते हो, मार्केट खुली हुई है। अगर ये वीडियो आपको ज़रा से भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अपने चैनल पर दिल्ली के लोकल मार्केट और सुपर मार्केट का अपडेट एंड रिव्यू लाती रहती हूँ। जो भी ऑफर जहाँ रहता है समय रहते आपको बताती रहती हूँ। तो अगर आपको दिल्ली के लोकल मार्केट एंड सुपर मार्केट से अपडेटेड रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वहाँ पे इस टाइप की चूड़ियाँ मिल जाएंगी जो कि 20 और 30 रुपए के प्राइस में थे। 100 से 150 के रेंज में इस टाइप के आपको मंगलसूत्र मिल रहे थे वहाँ पे। पायल, बिछिया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ज्वेलरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी काफ़ी रिजनेबल प्राइस में।
और 60 रुपीज़ में ये 24 पीस के रबर बैंड्स मिल रहे थे। यहाँ पे काफ़ी सारा डिज़ाइन था, 60 रुपीज़ में आपको 24 पीस मिलेंगे। और 5 रुपीज़ इस पेयर ये इस टाइप के ईयरिंग्स मिल रहे थे, इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल थे, डेली वेयर के लिए आप ले सकते हो इसको। और अगेन ये 60 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ दर्जन वाले नेल पॉलिश थे। यहाँ पे एक नहीं मिल रहा था, आपको पूरा दर्जन ही लेना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर के आप ले सकते हो। और अगर आप बाहर लेने जाओ तो आपको यही 60 रुपीज़ का एक पीस पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको 60 में 12 पीस मिल रहे हैं, सामने वो 100 में 12 पीस मिल रहे हैं, कहीं 150 में 12 पीस मिल रहे हैं, इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रेंज में यहाँ पे मिल रहे हैं, बट आपको 12 पीस ही लेना होगा। और 10 रुपीज़ में ये क्लिप्स का पूरा पैकेट मिल रहा था, एक में 6 पेयर हैं। और दिवाली के लिए इस टाइप के ले सकते हो आप, ये 120 का जोड़ा था, कहीं पे ये 100 का जोड़ा, कहीं 160 का जोड़ा, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के मिल रहे थे। और ये लक्ष्मी जी के जो पैर के निशान हैं, ये 10 रुपीज़ के 10 पीस मिल रहे थे, एक पैकेट में 10 पीस हैं पूरे, सिंगल आपको नहीं मिलेगा, ये पूरा पैकेट ही लेना होगा, 10 रुपये में 10 पीस। और यहाँ पे इन भैया के पास जितने भी लटकन थे वो 40 रुपीज़ ईच थे, काफ़ी सारा कलेक्शन था इनके पास, थोड़ा बहुत डिज़ाइन डिफरेंट डिफरेंट था, बट सभी 40 रुपीज़ ईच थे। और इस टाइप का लटकन 160 में जोड़ा था, ये दो पीस मिलेंगे आपको 160 में। और इनके पास ये लटकन डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रेंज में था, 100 रुपये जोड़ा था, 160 रुपये जोड़ा था, 140 रुपये जोड़ा भी था, ये वाला 140 रुपये जोड़ा था। एक पीस ये नहीं देती है, दो ही देती है, बट आपको लेना है तो आप इंसिस्ट करके ले सकते हो। और ये 150 में 10 मालाओं की लड़ियाँ थी, यहाँ पे एक पीस नहीं मिलेगा, आपको पूरे 10 पीस ही लेना होगा, 150 में ये 10 पीस थी। इनके पास भी कई सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल थे। और सदर बाज़ार में आपको इस टाइप के लटकन यहाँ वहाँ कई जगह मिल जाएंगे, 120 में 10 पीस, कहीं पे 160 में 10 पीस, क्वालिटी वाइज थोड़ा सा प्राइस डिफर होता है, और लेंथ इनका काफ़ी अच्छा लंबा सा था। तो दिवाली शॉपिंग के लिए अगर आप जाना चाहते हो सदर बाज़ार तो आप जा सकते हो, क्योंकि सदर बाज़ार पूरी तरह से खुल चुका है, बट पूरी प्रिकॉशन से, क्योंकि अभी कोविड नहीं गया है, सिर्फ उसका डर थोड़ा सा कम हुआ है, तो हमें पूरी प्रिकॉशन से काम लेना है। अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो वहाँ ना जाएं, और जाएं तो पूरी प्रिकॉशन के साथ जाएं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल रहा होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय भारतीय।